हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। और फाइनली अब 16 तारीख भी आ गया है और एयर इंडिया अब चालू होगा 16 तारीख से। तो इतना दिन से जो भी अब एयर इंडिया बंद हुआ था, जिसका वजह से जो यूपी सरकार और हरियाणा सरकार के अंडर में जो एनएसडीसी के प्रोग्राम के अंडर से जो भी लोगों का इंटरव्यू हुआ और इसराइल का मेडिकल सब कुछ पास हो के वीज़ा हाथ में भी मिल गया था, उन लोगों को फ्लाइट पहले ही होने वाला था, लेकिन एयर इंडिया बंद होने के चलते उनका सब काम रुक गया था। तो अब उनका जो फ्लाइट अब चालू होगा और पहला जो फ्लाइट है वो 19 तारीख से है बोल के मुझे जानकारी मिला है। अगर आपको इससे पहले का जानकारी है तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरह से अब एक अच्छा दिन आ गया है जो भी जो कामदार गवर्नमेंट के अंडर से अप्लाई किया था, क्योंकि एयर इंडिया जो है ना वो बंद हुआ था जब ईरान ने अटैक किया था, उसके बाद सस्पेंड हुआ था तो उसके वजह से रुक गया था। तो आप सभी को वेलकम टू इसराइल, आप लोग आराम से आइए। और एक बात बता देता हूँ, ये जो एयर इंडिया है ना अभी 16 तारीख से खुल रहा है, लेकिन ये अगला कब बंद होगा ये नहीं बोल सकता है, क्योंकि एयर इंडिया क्या है कि अगर इसराइल में कुछ भी थोड़ा घटना होता है ना, बड़ा घटना, जैसे कि कोई देश के साथ कुछ छोटा मोटा घटना हो जाता है ना, कुछ देश के साथ कोई लफड़ा, तब भी एयर इंडिया बंद करता है अपना सेफ्टी प्रोटोकॉल के लिए। तो इसीलिए आप लोग जो भी अभी जो गवर्नमेंट के अंडर, जो गवर्नमेंट एनएसडीसी के अंडर जिसने भी अप्लाई किया है, जिसका इंटरव्यू पास हो के सब कुछ हो के जो वीज़ा मिला हुआ है, आप लोग देरी मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि इसराइल में अभी हालात क्या है, हालात ठीक होगा तो हम जाएगा, इस तरह का आप लोग मत सोचिए। इसराइल में लड़ाई हो ही रहा है, 6-7 महीना हो गया लड़ाई चल ही रहा है, आर्मी लोग अपना लड़ाई लड़ रहा है बॉर्डर में। कल ही का बात है, नॉर्थ बॉर्डर में कम से कम 40-50 रॉकेट दागा है, तो ये तो चलता रहता है। ये सब न्यूज़ देख के आप लोग अपना जो इसराइल आने का जो प्लानिंग है ना, प्लान है, उसको कैंसिल मत कीजिएगा। आपको एक मौका मिला है जो गवर्नमेंट से आ रहा है, वो बहुत कम खर्चे में आ रहा है, 60-70 हज़ार में आ रहा है। मैंने गवर्नमेंट एजेंसी से आया हुआ लोगों को भी मिला है, सबका काम अच्छा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोगों का दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोग ठीक है, सैलरी सबको टाइम में मिल रहा है, काम भी सब कुछ ठीक है, तो सब कुछ ठीक है। इसीलिए आप लोग दिल में ये मत रखिएगा कि भाई अभी इसराइल में क्या माहौल है, क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि इसराइल का माहौल क्या है, अभी आना सही है कि नहीं, कितना सेफ है, लड़ाई कब ख़त्म होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन करता है। तो आप लोग इस तरह का क्वेश्चन माइंड में मत रखिएगा, क्योंकि लड़ाई तो इसराइल में चलता रहेगा, वो छोटा मोटा लड़ाई हो या बड़ा हो बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। तो अभी एक मौका मिला है, आप लोग एकदम दिल खोल के आ जाइएगा, और यहाँ पे एक आपको अपॉर्चुनिटी है, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है इसराइल में आने का, कमाने का, आने के लिए। इसीलिए आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि जिसका भी वीज़ा हाथ में मिल गया है ना, आप लोग एकदम पूरा हिम्मत करके आइए, पैसा अगर अच्छा कमाना है तो। ये मत सोचिएगा कि बाद में जब युद्ध ख़त्म होगा तब जाएगा, इस तरह का मौका और नहीं मिलेगा। और जो प्राइवेट एजेंसी वाला है उनका दिक्कत नहीं है, वो लोग का क्या है कि फ़्लाइट अगर एयर इंडिया बंद भी होता है तो उन लोग इथोपिया से होते हुए, दुबई से होते हुए आ जाएंगे, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे इसराइल में लड़ाई होते हुए अब 7 महीना चल रहा है। ओनली एयर इंडिया जो है ना वो बार बार सस्पेंड हो जाता है और बंद होता है, बाकी जितना भी जो फ्लाइट है ना कोई भी बंद नहीं हुआ अभी तक, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक बाया दुबई बाया इथोपिया लोग जा रहा है। इवन केयर गिवर और कंस्ट्रक्शन वर्कर जो प्राइवेट एजेंसी से किया था उन लोग आ भी रहा है और छुट्टी में जा भी रहा है, तो उन लोग का कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो गवर्नमेंट एजेंसी से अप्लाई किया है एनएसडीसी के अंडर, उन लोगों का अगर एयर इंडिया बंद होगा तो उन लोग नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए आप लोग दिल खोल के हिम्मत करके आइएगा, हम लोग सब यहीं पे है, कोई दिक्कत नहीं, इसराइल में सब कुछ ठीक है। और दूसरी बात, जो भी अभी एयर इंडिया से आ रहे हैं तो उन लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरा एक एडवाइस है। आप लोग जैसे कि कुछ लोग पूछते हैं कि बैग किस तरह का बनाना है, कितना वेट देता है, लगेज कितना देता है, हैंड बैग कितना देता है, तो देखिए जो हैंड बैग है वो 8 केजी देता है, लगेज है वो 46 केजी देता है एयर इंडिया। लेकिन आपको लगेज दो पैक बनाना है, मतलब दो पीस बनाना है, हैंड बैग एक पीस हो गया और जो लगेज बैग है उसको दो पीस बनाना है 23-23 किलो का। ये गलती मत करिए कि 46 किलो दिया तो हम एक बड़ा सा लगेज बना लेगा,
ये गलती करेगा तो आप फंसोगे और आपको बड़ा चार्ज लिया जाएगा एयरपोर्ट में, कम से कम $100 चार्ज करेगा आपको। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए लगेज दो पीस बनाने का, 23-23 किलो का, और हैंड बैग एक 8 किलो का बनाइए। और जो भी अगर इसके बारे में आपको और वीडियो चाहिए तो मेरा ऑलरेडी जो एयर इंडिया के बारे में इसराइल का फ्लाइट डिटेल्स के ऊपर मेरा एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगा। तो ये वाला गलती मत कीजिए, लगेज दो बनाइए लेकिन छोटा छोटा बनाइए, दो पीस बनाइए 23-23 किलो का, और उसमें आप लोग जो भी लिक्विड आइटम है, ऑयल वाला आइटम है, जैसे कि अचार लेके आना चाहते हैं आप, इस तरह का कुछ भी आइटम लेके आना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि डॉक्यूमेंट को हैंड बैग में डालने का, डॉक्यूमेंट्स को कभी भी लगेज में मत रखिएगा। क्योंकि अगर लगेज में आप अचार वगैरह कुछ भी लेके आता है, अचार क्या है ना, अचार का जो तेल है वो अगर थोड़ा भी गिर जाता है ना, आपका कपड़ा तो बर्बाद करेगा, कपड़ा आप खरीद लेगा लेकिन आपका डॉक्यूमेंट पे लगेगा आपका, तो आपका बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं, ऐसा हम लोगों के साथ हुआ है, मेरे कुछ दोस्तों के साथ हुआ है, इसीलिए मैं ये आपको मतलब एक एडवाइस दे रहा हूँ, सजेशन कर रहा हूँ कि भाई आप लोग इस तरह का काम मत कीजिए। तो यही है कि आप लोग सब आइए आराम से इसराइल में, अगर मौका होता है तो मिलते हैं इसराइल में, सबको वेलकम टू इसराइल, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए सेफ जर्नी। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।